राम राम सा, राम राम सा। आज की उमेदा राम जी बेनीवाल साहब की नामांकन रैली में आपना पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, आपना नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब, आपका लाडला किसानों का, बेरोजगारों का, गरीबों का मसीहा परमादरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, हरीश चौधरी जी, कर्नल सोनाराम जी, मैं मंच के ऊपर जता भी नेता, एमएलए, एमएलए कैंडिडेट, संगठन का जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रधान, जिला प्रमुख जी, आज सब ने सागे ले और मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का मुखिया होने के नाते उमेदा राम जी ने अग्रिम बधाई देनू चाहूं, अग्रिम बधाई देनू चाहूं। भाई जी जीत गया, अरे जीतता क्यों नहीं, उमेदा राम जी एक भलो इंसान, अच्छे आदमी, शिक्षा को प्रेमी और आपके बीच में हमेशा सब 36 कोमा ने सागे लेर चाल वाले व्यक्ति है जिके ने कांग्रेस पार्टी आपको प्रत्याशी बनायो है। इंडिया गठबंधन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से भी, आरएलपी से भी सबसे समझौतों करने को काम करियो। अरे वो समझौतों क्यों करनो पड़े बेर वेगे थाने, आप मोदी जी की तानाशाही, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की हिटलर शाही, इको जवाब देबा के लिए दिल्ली से मोदी जी ने हटाबा के लिए इंडिया गठबंधन बढ़ियो है। 10 साल में एक काम नहीं, केवल मोदी 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 कहीं ग्राम मोदी को नौकरी दी के किसान की आमदनी दुगुनी करी के, शिक्षा के क्षेत्र में कोई नवाचार करोगे, विदेश नीति ठीक करी के, आर्थिक नीति ठीक करी के, महंगाई कम करी के, तो कहीं गिरे हो फिर गोरा थोता भाषण टेक क्या। आरएसएस की एक नीति है और भी नीति के ऊपर मोदी जी, मोदी जी की सरकार चल रही है और तीन एक मना से राजस्थान की सरकार भी चल रही है, बा नीति है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो और तब तक बोलो जब तक वो झूठ सच नहीं लगने लग जाए, तब तक बोलो। लेकिन मोदी जी आज झूठ की गोली गिटता थोते, वादा की गोली गिटता 10 साल होगा माने, एक देले को काम नहीं करियो। आज आपने एठा से अति संख्या के मायने 36 कोम का लोग उमेदा राम जी कांग्रेस के प्रत्याशी ने आशीर्वाद देबा के लिए आया है। आज की बाड़मेर की रैली मोदी जी की नींद गायब कर देगी, रात में मोदी जी ने नींद को न्यावली। तीन मना के मायने पर्ची सरकार वाला मुख्यमंत्री जी क्यों करोगे, करोगे मुख्यमंत्री के हमने बजनला जी बेरो है क्या थाने, भाई एक पिक्चर देखी के अली बाबा 40 चोर डी के मायने एक जुनू बोले खुल जा सिम सिम, जना वो गेट खुल जाए बस चोर माए बढ़ जाए। अरबिया की बिया वसुंधरा जी के हाथ में राजनाथ सिंह जी एक पर्ची दी, अरे बाप पर्ची खुली, अरे एक मुख्यमंत्री जी निकलिया, बाप को नाम भजनलाल शर्मा जी है,
बाको काम और बता दू 90 दिन से के काम कर रहा है। मुख्यमंत्री बजल्ला जी केवल 3 काम कर रहा है। सुबह भ्रमण के लिए निकलेगा, भाषण ठोकेगा झूठ को और लोगों ने भ्रमित करवा को काम करेगा। ए मुख्यमंत्री जी है भ्रमण का मुख्यमंत्री, भाषण का मुख्यमंत्री और लोगों ने भ्रमित करवा का मुख्यमंत्री है। बीके अलावा भाई जी काल परसों सुनी थे, सुनी कि नहीं सुनी मैं बता दूं ताने, आईएएस की लिस्ट आई, आरएएस की लिस्ट आई, मुख्यमंत्री जी धारे ठीने जोधपुर का नहीं आयडा भजनलाल जी बाको पीए सर्किट हाउस में माने बोलियो कि मुख्यमंत्री जी अपना मुख्य सचिव जी लिस्ट काट दी, आईएएस की लिस्ट आई है, आरएएस की लिस्ट आई है। जना भजनलाल जी भी पीए ने कहे भैया देख अपने वाले हुए कि नहीं, अपने वाले तो फिर मुख्यमंत्री क्या ने बनिया, जको काम पहली करता वो करबो करता। एक आपने थे एक बहुत ही नायाब हीरो है बीजेपी में आरएसएस को, दिलावर जी शिक्षा मंत्री बनाया बीजेपी वाला, नाम सुने ने बे आपना शिक्षा मंत्री है, इसलिए मैं बा के खिलाफ तो कोई बात को नहीं करूं क्योंकि शिक्षा मंत्री है वे, मैं भी पहली शिक्षा मंत्री रही हो, लेकिन एक बयान दियो एक काल जोरा के गोविंद डोटासरा और अशोक गहलोत जी जेल जासी, हाँ जेल तो जासी पर दिलावर जी थे जेल में उछोड़ा था मिलबा जास्या। मैं बाके खिलाफ तो कोनी कू, लेकिन एक जना को फोन आयो, भाई जी आराम से सुन जो, एक जना को सुबह फोन आयो, वो अखबार पढ़ मन फोन करियो, बोले भाई जी एक किस्सो याद आवे बता दू के डोटासरा जी मुको बता दे। जना वो बोलियो एक अंग्रेज हो जो एक गांव के मायने आएगो, गांव के मायने एक गोदो वे न गोदो, गोदो जानो ने देखो की काम को नहीं आवे, गाय के जलीबेड़ो हुए लेकिन काम की नहीं आ सके, तो वो गोदो हो वो अंग्रेज बोलियो मेरे जियाल के ने, बोलियो डोटासरा जी व्हाट इज दिस, जहां डोटासरा जी बोलिया दिस इज गोदा, बोलियो गोदा क्या होता है। मैं क्यों भैया सुन मेरी बात है, जको गोदो गाय के तो जन्म ले, लेकिन न तो वो हड़बा सके न वो कोई और कोई काम आ सके और बिगड़ेड़ो फिर वो गिरे गांव के मायने, कणा कोई बाढ़ के नीचे मुंडो मार ले, कणा कोई सिर में डांग खा ले, कदे कोई पीठ पर खा ले, तो बोले ये करता क्या है। मैं जना डोटासरा जी बतायो करे कहीं है, मैं बतायो ने थाने जको गांव की बस्ती के कन्ने जगह छोटा मोटा बाड़िया हुए ने, बा बाड़िया के कन्ने बाड़ के नीचे नीचे थोड़ो तो भोजन कर ले, फिर गांव में आर कोई के घर बड़बा लागे खेत में बड़बा लागे जा डांकी खा ले। तो बोले भाई जी एक गोदा जका है एक के काम करे। मैं क्यों भाई एक गोदा कुल्डी के ऊपर सीना ने आपके सिर ने रगड़े और कोई को काम बिगाड़ बा को काम करे, बाकी दिल कोई काम को नहीं करे। ये मेरी बात ने कदे ही आपने शिक्षा मंत्री दिलावर जी पर मत ले लीजो, कदे ही मत ले लीजो, बे आपना शिक्षा मंत्री है बांस कैसे इस कहानी को इस किस्से को कोई लेनो देनो नहीं है, है के किसी है मने गोरी बेरो मैं कू, मैं तो मेरे शिक्षा मंत्री के खिलाफ की नहीं बोलूं, पर मिस्टर दिलावर साहब आपकी मां ने दूध पिलाया तो गोविंद डोटासरा के गरेबान की तरफ झांक के देखो। मैं किसान का बेटा हूं, मैं एक अध्यापक का बेटा हूं,
मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। आप जैसे आर एस एस के लोग ऐसे ही भूखते रहेंगे, गोविंद डोटासरा के कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एमपी साहब दिल्ली के गेड़ा है, बाड़मेर आएगा, बन के जो फार्म मत उठा लीजियो, चुनाव लड़नू है और बाड़मेर के मायने चुनाव लड़ो जना के जो कि मोदी जी 10 साल में काई करियो और एमपी साहब थे मंत्री बन रहे काई करियो, बात बता जियो। आज युवा के सपना के सागे, आप बेरोजगारा के सागे केवल छल करवा को काम करियो है, केवल झूठ बोलवा को काम करियो है, ईडी इनकम टैक्स से डरावा को काम करवा को काम कर रहा हो, और आप 400 पार ये लिए चाहे आने क्या वो आरक्षण खत्म करनू है, संविधान न खत्म करनू है, आने 400 ही लिए चाहे। और आज तो गहलोत साहब वो मैदान छोटो पड़ गो स्टेडियम, ओ बाड़मेर के मायने उमेदा राम जी जीत गो और सामले का मोरिया बोल गा। मोरियो बुलाओगा के बुलावला के मजो आएगो भाई जी। अरे मैं एक बात और कह जाऊं, आप पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ में बाड़मेर के मायने थके कानी कोई देख लेने बीजेपी को और आरएसएस को आदमी, तो गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत और तमाम नेता थके बीच में आर पूछ जाएगा, कानी को नहीं देख पा देंगे आरएसएस और बीजेपी ने, चिंता करवा की आवश्यकता कोनी है। और यहाँ को सज्जन उम्मीदवार दिए और सगड़ा सहमति से दिए, टोटल बाड़मेर का नेता, प्रदेश का नेता, पार्टी आला कमान सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, तमाम लोग मिले और उम्मीदवार राम बेनीवाल ने कांग्रेस को प्रत्याशी बनाए हुए, इन्हें जीतावा की जिम्मेदारी थाकी है। आई सपना के साथ में ज्यादा बात करवा की दरकार कोनी भाई जी, अब काल है कट को काट दो बीजेपी को। और कोई निर्दलीय उम्मीदवार है ने बा, आप मान लो बीजेपी की माँ है, बा बीजेपी की माँ, बिने कदे ही निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस को कदे ही नहीं हो सके। भाई बीजेपी का लोग है, अलग अलग देश के मायन आवे थाने ठगबा की चेष्टा करेला, सावचेत रह जो, जागता रह जो, खुड़का कर जो।